तो हाय गाइज, आज पढ़ेंगे शिक्षा साइकोलॉजी के अंदर शिक्षा चैप्टर एजुकेशनल, जिसको आज समाप्त करेंगे। यहाँ से कहीं पर क्वेश्चन आ सकता है, सामान्य जानकारी के लिए भी होना चाहिए। देखो, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, संस्कृत के शिक्ष धातु से, ये जरूर ध्यान रखना। शिक्ष धातु में आ या टा प्रत्यय लगाने से हुई, जिसका अर्थ सीखना या सिखाना है, जिसकी प्रक्रिया है सीखना या सिखाना है। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो के अंदर बात करूंगा कि मैं इस तरह के वीडियो लाता रहता हूं। साइकोलॉजी संबंधित पूरा कोर्स इसमें प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक ज़रूर करें, आपको इसमें अच्छे से सीखने को मिलेगा फ्रेंड्स। हाय गाइज, तो चलते हैं। ये एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत लाभदायक है फ्रेंड्स, और पक्का एक नंबर ज़रूर आएगा आपके, यानी कि एक नंबर नहीं, ज़्यादा नंबर आएंगे, पर यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होगा फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन पक्का राइट हो जाएगा। तो सीखना या सिखाना प्रक्रिया है, अर्थात सीखने सिखाने की प्रक्रिया को ही शिक्षा कहते हैं, यानी कि लर्निंग, सीखना व सिखाने की जो प्रोसेस है ना, उसी को एजुकेशन बोलते हैं फ्रेंड्स। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के तीन शब्दों से हुई फ्रेंड्स, ये जरूर ध्यान रखना। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शिक्ष धातु में टा प्रत्यय लगाने से हुई, जिसका अर्थ है सीखना सिखाना, ठीक है। और अत्यंत सीखने सिखाने की प्रक्रिया को ही शिक्षा बोलते हैं फ्रेंड्स। और एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, लैटिन भाषा के तीन शब्दों से। ये तीन शब्द कौन कौन से मैं बताता हूँ आपको। एजुकेशन, एजुकेशन, एजुकेयर, आगे बढ़ना। एजुकेशन एफ ई और ड्यूको, एजुकेशन किससे बना हुआ है, ई और ड्यूको, यानी कि ई का अर्थ है अंदर से, और ड्यूको का अर्थ है बाहर निकालना, ठीक है फ्रेंड्स। और एजुकेयर का अर्थ है विकसित करना, यानी कि किसी भी चीज़ को विकसित करना, एजुकेयर का अर्थ है विकसित करना। और एजुकेयर का एक एजुसियर का अर्थ है विकसित करना, और एजुकेयर का अर्थ है आगे बढ़ना, ठीक है फ्रेंड्स। एजुसियर का अर्थ है विकसित करना, और एजुकेयर का अर्थ है आगे बढ़ना, और एजुकेशन अंदर से बाहर निकालने की प्रक्रिया है फ्रेंड्स। तो ये जरूर ध्यान रखना, एजुकेशन तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है लैटिन भाषा की। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक तो वीडियो ख़त्म हो चुकी है, और आगे देखते हैं। इस प्रकार मनुष्य के अंदर छिपे गुणों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही शिक्षा कहते हैं, यानी कि उसका अर्थ ये हुआ कि इस प्रकार मनुष्य के जो अंदर छिपे हुए गुण हैं उनको अपन बाहर निकालेंगे, तो उसी को क्या बोलेंगे, शिक्षा। अब देखो, अलग अलग वैज्ञानिकों ने और अलग अलग महापुरुषों ने परिभाषा दी है, तो इस परिभाषा को भी अच्छे से पढ़ेंगे। यानी कि मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णतः की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। क्या है ये, किसने कहा, स्वामी विवेकानंद ने। अंतर्निहित ध्यान रखो, अभिव्यक्ति ध्यान रखो, ये ट्रिक है फ्रेंड्स। मनुष्य में अंतर्निहित अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। जौन लोग की बात करते हैं, जिस प्रकार पौधे का विकास कृषि से होता है, यानी कि उसकी मिट्टी से, है ना, उसके वातावरण से, उसी प्रकार मानव का विकास भी शिक्षा से होता है। यानी कि मानव अगर शिक्षा से वंचित रह जाएगा तो उसका विकास नहीं होगा। ये किसने लिखा, जॉन लॉक, यानी कि उसके लोक लग जाएगा विकास में। क्या लग जाएगा, लोक लग जाएगा विकास में, इसलिए उसका विकास अवरुद्ध हो जाएगा मानव का। और पौधे का विकास कृषि से होता है, तो अगर कृषि नहीं होगी तो पौधे का जो प्लांट का विकास नहीं होगा फ्रेंड्स, यानी कि उसमें जॉन लॉक लग जाएगा। क्या लग जाएगा, जॉन लॉक, इससे आप याद रखो। तो ये परिभाषा जॉन लॉक ने दी थी। रूसो कहते हैं, तो जीवन ही शिक्षा है। देखो, जीवन में रूसना तो पड़ता ही है, और रूस बच्चे रूसते हैं, और शिक्षा जीवन है। क्या है, रूसो क्या बोलते हैं, जीवन ही शिक्षा है। और छोटे बच्चे क्या करते हैं, रूस कर स्कूल जाते हैं, है ना, शिक्षा ग्रहण करने, तो क्या होता है, जीवन ही शिक्षा है। यानी कि वो बच्चे छोटे हैं तो उनकी लाइफ छोटी है, अब वो बहुत बड़ी लाइफ बन जाएगी शिक्षा ग्रहण करने के बाद। तो ये भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। देखो, प्लेटो की बात करते हैं, यानी कि नैतिक गुण है, तो प्लेटो क्या कहते हैं, नैतिक गुणों का विकास ही शिक्षा है। यानी कि प्लेट पर नैतिक गुण लिख दो, है ना, क्या कर दो, प्लेट पर नैतिक गुण लिख दो, तब विकास हो जाएगा। तो नैतिक गुणों का ही विकास शिक्षा है फ्रेंड्स, ये जरूर ध्यान रखना। नैतिक, नैतिक किससे, प्लेटो से। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स।
अरस्तु जी कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास है। अब मान लो कोई ब्रेन है इस स्वस्थ मस्तिष्क के, तो उसमें क्या होगा, और ये स्वस्थ शरीर है, यानी कि ये शरीर अगर स्वस्थ रहेगा ना पूरा, तभी मस्तिष्क का विकास स्वस्थ है। तो किसने कहा, अरस्तु जी ने ये बात कही थी फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये परिभाषा भी आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स। क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आता है, इन परिभाषाओं में से एक आध क्वेश्चन आ ही जाता है। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक के मन मस्तिष्क के सर्वांगीण विकास से है। यानी कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य है कि बालक के जो मन मस्तिष्क के सर्वांगीण विकास से है ना, यानी कि महात्मा गांधी का जो मन था वो भी अच्छा था, यानी सर्वांगीण विकास था उनके अंदर, तभी तो वो आंदोलन में भाग लिया उन्होंने, है ना। तो शिक्षा से मेरा तात्पर्य कि बालक के मन मस्तिष्क के सर्वांगीण विकास से, ये ध्यान रखना है। बौद्ध दर्शन की बात करते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति ही शिक्षा है, यानी कि बौद्ध दर्शन हमेशा क्या कहता है, मोक्ष है ना। तो इसे ध्यान रखना, मोक्ष की प्राप्ति ही शिक्षा है। एडम्स क्या कहते हैं, शिक्षा ध्रुवीय प्रक्रिया है। क्या है, शिक्षा ध्रुवीय प्रक्रिया है, यानी कि एडम्स ऐसे भी ले सकते हैं, एडम्स एप्पल अपने गले में होता है, तो वहाँ ध्रुव जैसी ऊंचाई होती है, वहाँ क्या होती है, ध्रुव जैसी ऊंचाई। तो ये ट्रिक से ध्यान रखते हैं, एडम्स यानी कि शिक्षक शिक्षार्थी, ठीक है, यानी कि दी ध्रुवीय प्रक्रिया है, यानी कि दो ध्रुव, यानी दो ध्रुव है इसमें, शिक्षक और शिक्षार्थी, इसलिए ये ध्रुवीय प्रक्रिया है। और ये किसने कहा, एडम्स ने, ठीक है। द्वि बोलते हैं इसको, द्वि ध्रुवीय, यानी दो ध्रुव है, शिक्षक और शिक्षार्थी, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, जॉन डीवी जी क्या कहते हैं, तो शिक्षा त्रिध्रुवीय, त्रिध्रुव बताया जॉन डीवी ने, क्या करा जॉन डीवी, शिक्षक शिक्षार्थी पाठ्यक्रम। जॉन डीवी क्या कहते हैं कि शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। तो त्रिध्रुव में कौन कौन से आएंगे, शिक्षक भी आएगा, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, ये जरूर ध्यान रखना है फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो आगे बढ़ते हैं, देखो शिक्षा परिमार्जन व्यवहार अध्ययन मनोविज्ञान, यानी कि शिक्षा व्यवहार का परिमार्जन करती है, किसका करेगी, व्यवहार का परिमार्जन करके उसका अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। यानी कि जो मानव है, अब मानव का व्यवहार है ना, अब उसको माँजेंगे नहीं अपन बर्तन, जैसे कि मान लो बर्तनों को माँजते हैं ना, क्या करते हैं, बर्तनों को माँजते हैं, ऐसे ही मानव व्यवहार को भी परिमार्जन उसका, जैसे कि मान लो आपके साथ कोई व्यक्ति खड़ा है, अब उसको आप जहाँ तक माँज कर साफ सुथरा करके नहीं पहचानोगे ना उसके अध्ययन को, है ना, वहाँ तक आपको पता नहीं लगेगा, यानी कि उसके व्यवहार को पहचाना जा सकता है, यानी कि व्यवहार का परिमार्जन करके उसका अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। यानी कि कोई बच्चा बैठा है क्लास के अंदर, आप पढ़ा रहे हो और उसके बारे में आप कुछ नहीं जानोगे, तो आप उसको कुछ भी सिखा नहीं सकते, उसके बारे में बायोडाटा आपको ध्यान होना चाहिए फ्रेंड्स। तो इस तरह से, इस प्रकार मानव के व्यवहार का परिमार्जन करके उसका अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है, क्योंकि शिक्षा को मनोविज्ञान से जोड़ने का कार्य मानव व्यवहार करता है, क्या करता है, व्यवहार करता है, मानव व्यवहार, अतः मानव व्यवहार को शिक्षा और मनोविज्ञान के बीच की कड़ी कहते हैं। यानी कि ये जो व्यवहार है ना, तो शिक्षा और मनोविज्ञान के बीच की कड़ी क्या है, व्यवहार, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना है। यानी शिक्षा परिमार्जन करके व्यवहार हो जाता है, और व्यवहार के अध्ययन के बीच के बाद में मनोविज्ञान की बात आ जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं, व्यवहार को मनोविज्ञान और शिक्षा के बीच की कड़ी, जरूर ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अत्यर्थ, शिक्षा और मनोविज्ञान के मध्य मानव व्यवहार उभयनिष्ठ है। अत्यर्थ, शिक्षा और मनोविज्ञान के मध्य मानव व्यवहार उभयनिष्ठ है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि यदि मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है, तो शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन करती है। यानी कि यदि मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है, तो शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन करती है फ्रेंड्स। किसका करती है, मानव व्यवहार का अध्ययन, ये जरूर ध्यान रखना, ठीक है फ्रेंड्स। यदि मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है, तो शिक्षा मनोविज्ञान किसका करती है, मानव व्यवहार का, ठीक है फ्रेंड्स।
तो ये अपने यहाँ से ये चैप्टर जो इसका शिक्षा का चैप्टर था ये यहाँ से ख़त्म हो गया। शिक्षा किसे कहते हैं और अपन ने विभिन्न परिभाषाएं भी पढ़ी, ठीक है प्रणत। और यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और इसी तरह की वीडियो मैं लाता रहता हूँ और बहुत अच्छी वीडियो है। और मनोज्ञान यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका क्योंकि बहुत अच्छा मैटर है, मेरे भी यहाँ से राइट हुए थे फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।